कहते हैं इस दुनिया में माँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। जरा गौर से देखिए इस माँ को, ये एक 12 साल के बच्चे की माँ है, लेकिन इस वक्त इस माँ से ज्यादा लाचार और बेबस कोई नहीं होगा। फिरोजाबाद में वायरल बुखार बुरी तरह से फैला हुआ है और इस बुखार की चपेट में 12 साल का ये चिंटू भी आ गया है। बुखार से चिंटू की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और जब चिंटू की माँ उसे अस्पताल लेकर पहुंची तो उसे वहाँ बेड नहीं मिला। फिर क्या, बेचारी माँ और चिंटू की बहन के पास उम्मीद के सिवा और कोई दूसरा सहारा नहीं था। चिंटू को गोद में लेकर उसकी बहन अस्पताल के सामने बैठ गई। चिंटू बुखार से तप रहा था और उसकी माँ और बहन के आंखों से आंसू बह रहा था, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। क्या दिक्कत आ रही है आपके बच्चे को? मेरे लिए बुखार आएगा तो सुबह से नहीं तो हमने ठीक ना करा पाया तो ज्यादा सूज गया और डचका लेने लगा हुआ है। नहीं तो अभी तो ये अंदर एडमिट था? नहीं, यहाँ नहीं था, सुखावास से लाए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ये डॉक्टर मना कर रहे हैं। अंदर एडमिट नहीं कर रहे? कोई दवाई वगैरह दी है क्या? अरे बोतलें लगी पे यहाँ पे कोई फिरोजाबाद में इस मेडिकल कॉलेज में आपको कोई दवाई नहीं दी, आप यहाँ पे क्यों लिटाए हुए हो बच्चे को जमीन पे? ले जा रहे देख रहे कहाँ पे ले जाए हम। क्या वापस ले जा रही हो? तो अभी आप ये चाहती हो कि आपके बच्चे को एडमिट हो यहाँ पे? यही तो आप चाहती हो ना? हम आपके बच्चे को एडमिट कराते हैं। एडमिट हो, इलाज हो, इलाज में करवा दे बच्चा माय को दवा पाएंगे। हम गरीब आदमी मजबूरी में, अमीर गरीब नहीं है। सरकार ने कहा है कोई प्राइवेट नहीं दिखा, यहाँ आपके बच्चे का इलाज होगा। ये मैं करवा दे, ये कह रहे तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे तो बच्चे की पर्चा बना है यहाँ पे? यहाँ का कोई पर्चा नहीं बना? कितनी उम्र है इस बच्चे की? 12 साल की। क्या नाम है? चिंटू। चलिए आप मेरे साथ एक कोई चलिए, मैं आपका यहाँ पे दिखाता हूँ। वहीं यूपी तक ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ना सिर्फ अस्पताल प्रशासन को जगाया बल्कि चिंटू को अस्पताल में जगह भी दिलाई। चिंटू के इलाज शुरू होने के बाद जब यूपी तक ने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की तो जरा सुनिए क्या कहना है डॉक्टर साहिबा का। एक डेढ़ घंटे तक एक बच्चा 12 साल का यह जमीन पर बैठा रहा और आपको जब अंदर लेके आए हम लोग, आपने तुरंत एडमिट कर लिया। लोग ये भी शिकायत करते हैं कि एडमिट नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर हमारे यहाँ इस समय 540 बच्चे हैं, अगर एडमिट नहीं करते तो ये नौबत ना आती। और एक यहाँ सब एडमिट होना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें एक बिस्तर पर लिटा दो लोगों को, हमें कोई परेशानी नहीं है। बात भी सही है, इस समय हमारा मकसद ये नहीं देखना है कि क्या है क्या नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ मरीज की जान बचाना है, चाहे वो जैसे भी बचे। इसलिए हमने जैसे संज्ञान में लिया, अगर अंदर आया होता तो ऐसा नहीं है मैं वही कुर्सी डाल के बैठी हूँ कि किसी मरीज को तकलीफ ना हो। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि अगर डॉक्टर सही बोल रही है तो क्यों आखिर चिंटू की माँ अस्पताल के बाहर उन्हें लेकर बैठेगी। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में 400 से ज्यादा बच्चे बुखार के चपेट में आ चुके हैं और करीब 50 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।